नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है आर म्यूज़िक एंड फिल्म्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केसियो CTX 9000 इन जो कीबोर्ड है, इसमें स्प्लिट टोन को किस तरह से यूज़ करना है। तो स्प्लिट टोन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कोई भी एक टोन जो है वो सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, जैसे इस कर्सर बटन से कर सकते हैं या फिर ये न्यूमेरिक जो कीपैड है इससे हम कर सकते हैं। मैंने एक टोन बनाई हुई है, ये 814 नंबर पर मैंने एक टोन बना रखी सितार। ठीक है, तो ये टोन है सितार की। इस टोन के साथ में हमें स्प्लिट टोन ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्प्लिट बटन को दबाएंगे। ठीक है, जैसे हम स्प्लिट बटन को दबाएंगे, यहाँ पे 172 अकोस्टिक बेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह हमें स्ट्रिंग लेना है मान लो, तो हम स्ट्रिंग चूज करेंगे। ये देखिए, ये स्ट्रिंग मैंने एडिट कर रखी है और इसको एडिट करके मैंने इसका जो साउंड है वो कम कर रखा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका साउंड जो है वो थोड़ा कम आएगा, देखिए इस तरफ ये। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बेस इसमें आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्टेव चेंज कर देंगे। ऑक्टेव चेंज करने के लिए इस पर ऑक्टेव बटन को दबाना है। ठीक है, और फिर 3 नंबर पर जाकर इसको प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर U2 हो गया। फिर से 3 नंबर प्रेस करेंगे, L1 हो गया। L1 होने के बाद में हम कर्सर बटन से इसको 2 कर देंगे इसको। ठीक है, कर्सर बटन को जैसे घुमाएंगे तो 0 से ये 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए साउंड, अब इसका साउंड इस तरह का हो गया। ठीक है, तो एक तरफ हम ये कॉर्ड प्ले कर सकते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड में, और एक तरफ हम इस तरफ हम सितार प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, टोन को प्रेस करना है। यहाँ पे देखो टोन लिखा हुआ है ऊपर, इसको प्रेस करना है। उसके बाद में ये अपनी टोन सेट हो गई। अब इसको आपको स्टोर कर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्टोर कर लो, वरना ऐसे भी प्ले कर सकते हो, किसी भी बैंक में स्टोर कर सकते हैं। तो आपको स्टोर दबाना है और 8 नंबर की या कोई भी जो आपको 6 7 जो भी आपको सूटेबल लगे उसको एक साथ प्ले दबा देना है। ठीक है, एक साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखना ये मैंने एक साथ प्रेस कर दिया है, तो ये अपनी स्टोर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सितार है और इस तरफ पर स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्प्लिट साउंड को, स्प्लिट टोन को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे स्प्लिट साउंड अभी यहाँ तक, इस की तक ये स्प्लिट साउंड आ रहा है, और अगर आप चाहते हो कि ये स्प्लिट साउंड यहाँ तक आए, तो आपको क्या करना है, ये जो स्प्लिट पॉइंट लिखा हुआ है इसको दबा कर रखना है। ठीक है, इसको प्रेस करके रखिए, और साथ में फिर ये जो बटन है इसको प्रेस कर दीजिए दोनों को एक साथ में, फिर ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आपका स्प्लिट साउंड है वो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट साउंड के बारे में, स्प्लिट टोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।